बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, असी अज मौजूद हाँ जी नवा शहर के बड़े मशहूर पॉइंट नाड़ियां दी जिहड़ी एंट्रेंस है दंदी वाली जगह जिथे एक मशहूर असां दा बहुत पुराना पानी दा टैंक है। इत्थे मेरे नाल मौजूद हन जी असां दे नवा शहर दी एक मौजूद शहरी, इन्हां दा अलग स्पोर्ट्स नाल है, बेसिकली अपनी एजुकेशन दी फील्ड नाल काम पे करते हैं काफ़ी टाइम तो, स्पोर्ट्स पे माशाल्लाह बहुत अच्छे बैडमिंटन दे टेबल टेनिस दे प्लेयर ने। मैं इन्हां कोलों ये पूछना चाहना, असी माशरे में मुंशियात नाल रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, असें इस तो पहले खलील जई माले दे उजरे में एक प्रोग्राम भी किया है, उसी तो असद ना मैं इन्हां कोलों पूछना चाहता कि ये अपनी फील्ड के अंदर रह के पॉजिटिव रोल अदा कर रखते हैं जिस वजह तो नौजवानों में मुंशियात ते आदि जितने लोग हों उन्हें डिस्करेज किया जुले, जितने नवे असद नौजवान हों इन पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ आंदा जुले जी, मके इस बारे में आखना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये आखना चाहता कि जितने भी नौजवान हों स्पोर्ट्स की फील्ड में आ सुन तो इस नाल जड़ा है वे ये मंशात तो दूर हो सुन, जितना भी ये गंदी संगत में रह सुन तो सारा इस तरह का इन्हों का हो सी तो ये और ज़्यादा मंशात तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सुन। बहुत शुक्रिया फजील भाई, असं समझते हैं कि तुसांदी इस पे असा मावना तुसा नाल असां दी रहसी तुसी असां ये सपोर्ट दसो कि बहुत सारे ये स्पोर्ट्स के इवेंट असां दे नवां शहर दे वाले नाल कंडक्ट कर रखते हो ता कि नौजवानों वास्ते कोई बेहतर सरगर्मियाँ असी मौके प्रोवाइड कर रखा। मेरे नाल एक और नौजवान मौजूद हन, मैं इन्हां कोलों पुछसा कि मुंशियात ते रोकथाम वास्ते ये आवाम नास आ के मैसेज दे सुन, अपने नौजवान भाइयों के मैसेज दे सुन कि नौजवानों वास्ते मुंशियात कितनी मुजरे सेहत है ते के करना चाहिए उन्हें इस तो बचने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि मंशियात जो है वो सेहत के लिए मतलब अच्छी नहीं है, तो हमें इतने से जितना दूर हो सके दूर होना चाहिए और अपनी स्पोर्ट्स वगैरह खेलनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। असी मौजूद हाँ जी नवा शहर के अंदर ही कोई लोगों को राय के अनुसार अपने प्रोग्राम लोग के आखतन के हवाले नाल मैं ना मौजूद हूँ असं इस मोहल्ले के सब तो पुराने बुजुर्ग शख्सियत, इन्हों का इतने छोटा जहा एक सैटअप है मोची की दुकान है इन्हों की, इन्हों को असं ये पूछा कि महंगाई की वजह तो मौजूदा जी बहुत खतरनाक किस्म की बेअंगम किस्म की महंगाई हुई है, इस की वजह तो आम आदमी आ या इन के मुश्किल का सामना है, अंकल जरा दसो असा इस बारे में। सारा दिन काम करने ते शामी दुधे ने पैसे नहीं होने ते आटा चीनी तो दूर रही, लेकिन यह कि बस काफ़ी जमाने तो इतने मैं काम करना जिस वजह तो ये लोग मेरे नाल थोड़ा बहुत अलुफ करने जिस वजह तो मेरा निज़ाम चलना बारना और मेरे वास्ते मुश्किल है, बच्चा एक या जो वो फोत हो गया अटैक हुई घरे वाली फोत हो गई हूँ नाला तो सुहा कोई गुजारा नहीं मेरा इस ये समझ दो हालात जो नहीं सारे माशरे नाल किस तरह महंगाई घट हो सकती है तुसा दी नज़र में? ये जिस इस तरह महंगाई घट हो क्योंकि सारे आवाम और अक्रमान जेड़े सारे अफसर लोग हैं बड़े तो वो जो सही होने अस गरीब लोगों ने भी गुजारा चाह लगना, लेकिन उत्ते तो तले तक जो सही ना हो तो मेरे ही आदमी के कर रखना रोना ही है या नसना है या और तो कुछ नहीं होगा। क्या है बहुत सारे इतने असल ज़कात कमेटी एक बनी दी है बैतुल माल का महकमा है, क्या तुसा उन्होंने कोई राबता किया है कि या किसी महकमे के किसी बंदे तुसा किसी किस्म का कोई तावन किया है उन्होंने किसी किस्म की तुसा अप्रोच करने की कोशिश की है कि रिस्पांस आया अगों? ये जी नवाकुफ आदमी या गरीब आदमी ने कौन सुनना, वक्त ऐसा है कि सब तक में ये कदम एक बराबर है तो एक दो आदमी के कार रखने मैं ये कदम किसी आखने तो दो उठ के खलने आखने ठीक है ये थोड़ा बहुत काम करने इसमें गुजारा चलना बकाया जड़े हैं तो उन्होंने गुजारा करना।